चंडीगढ़ से अपने परिजनों के पास पिथौरागढ़ जा रहे एक बुजुर्ग को जहर खुरानों ने शिकार बना लिया। बुजुर्ग को बेहोश कर नकदी समेत अन्य सामान चुरा लिया। फिलहाल बुजुर्ग का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। शुक्रवार को चम्मू पिथौरागढ़ निवासी 62 वर्षीय कुंदन सिंह चौहान पुत्र स्वर्गीय डिगर सिंह चौहान चंडीगढ़ से पिथौरागढ़ की ओर आ रहा था। होश आने के बाद कुंदन ने बताया कि वो चंडीगढ़ से शाम को टनकपुर डिपो की बस में बैठे। बताया कि सुबह टनकपुर पहुंचने से 20 किलोमीटर पहले किसी ढाबे पर बस रुकी, जहां पास की सीट में बैठे एक युवक ने उसे चाय पिलाई। कहा कि चाय पीने के बाद वो बेहोश हो गया। होश में आने के बाद देखा कि उसके जेब से 17,000 रुपये की नकदी गायब है। कुंदन ने बताया कि बीमार मां का इलाज कराने के लिए वो पैसे एकत्र करके घर ले जा रहा था। कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि रोडवेज के पास एक बुजुर्ग अचेत अवस्था में पड़ा मिला। लोगों की सूचना पर पुलिस ने उसे 108 वाहन के जरिए उपजिला अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।